फरवरी मंथ ने अच्छे अच्छों को ढेर कर दिया। कई एक्सपर्ट चकरा गए ये सेल्स फिगर देख के, मगर वह क्या है समझते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे हम फरवरी 24 में क्यों ये सेल फिगर्स आई और क्यों ये उठा पटक हो गई। पहले कार कंपनीज की, 14th पर जीप 331 यूनिट, 13th पोजीशन पर सिट्रेन 421 यूनिट, जबकि 12th पोजीशन पर है स्कॉडा 2254 यूनिट, 11th पोजीशन निसान मोटर्स 2755 यूनिट। अब बात करते हैं टॉप 10 की, 10th पोजीशन पे फॉक्स वैगन 3019 यूनिट, और बात करें 9th पोजीशन पे 480 यूनिट के साथ रेनो, मगर 8th पोजीशन पे है एमजी मोटर्स 4532 यूनिट, और 7th पोजीशन पे होंडा 7142 यूनिट, और 6th पोजीशन पे पहुंच गई है किया मोटर्स 20200 यूनिट्स। यहां से स्टार्ट होते हैं टॉप 5, 5th पोजीशन पे टोयोटा 23,300 यूनिट, और इसकी सेल रियली काफ़ी इंक्रीज हुई है थैंक्स टू मारुति सप्लाईज कार्स, जैसे कि रोमियन ग्लेंजा इनकी वजह से। अब बात करते हैं 4th पोजीशन पे है महिंद्रा 42,401 यूनिट, 40% की सेल इंक्रीज हुई है पिछले साल फरवरी मंथ के मुकाबले, जो रियली बेहतरीन है। नंबर क्यों आए, स्कॉर्पियो बोलेरो जैसे प्रोडक्ट ने रियली धमाल मचा रखा है और यह आज से नहीं सालों से मचा रखा है। थर्ड पोजीशन पे हुंडई 50,201 यूनिट, हाँ हुंडई वह सेल नहीं ला पाई कि अपनी सेकंड नंबर पोजीशन मेंटेन कर पाती, और इसकी ग्रोथ आई है हालांकि 6.9%, मगर टाटा ने और भी बेहतर परफॉर्म किया, 51,270 यूनिट बेचे हैं, टोटल 19.6% ज़्यादा सेल कर दिया है पिछले साल फरवरी मंथ के मुकाबले। वो अलग बात है कि जनवरी से सेल इसकी भी गिरी है, मगर पिछले साल की फरवरी के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया। और फर्स्ट पोजीशन पर है मारुति सुजुकी 1,60,272 यूनिट, 8.7% की ग्रोथ मिली है पिछले साल फरवरी मंथ के मुकाबले, और अगर हम बात करें पिछले मंथ के मुकाबले तो 3.9% सेल इसकी भी गिरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टाटा की गिरी है, हुंडई की गिरी है, महिंद्रा की गिरी है, यानी जनवरी मंथ इन सब के लिए बहुत अच्छा था। अब बात करते हैं आपसे टॉप 25 कार्स कौन कौन सी हैं। मजे की बात हुई है यहाँ पर, और वो भी जबरदस्त, 25th पोजीशन पे है हुंडई आई 25,131 यूनिट, 24th पोजीशन पे है टोयोटा हाइराइडर 5,601, 23rd पोजीशन पे है महिंद्रा थार 5,812 यूनिट, और 22nd पोजीशन पे है किया सेल्टॉस 6,265 यूनिट, और 21st नंबर पर है महिंद्रा XUV 700 6,546 यूनिट। अब बात करते हैं टॉप 20 की, 20th पोजीशन पे है टियागो 6,947 यूनिट, 19th पोजीशन पे हुंडई एक्स्टर 7,582 यूनिट, 18th पोजीशन पे है इनोवा विद इनोवा हाई क्रॉस, मतलब क्रेस्टा और हाई क्रॉस दोनों के मिलाकर 8,481 यूनिट, 17th पोजीशन पे है वेन्यू 8,933 यूनिट, 16th पोजीशन पे है किया सोनेट 9,102 यूनिट, और यहां से स्टार्ट हो जाते हैं टॉप 15। 15th पोजीशन पे है बोलेरो, जिसमें बोलेरो पावर और बोलेरो नियो दोनों शामिल है, और इसकी सेल्स फिगर है 10,113 यूनिट, गुड जॉब, हालांकि दो जुड़कर है। 14th पोजीशन ग्रैंड विटारा 11,002 यूनिट, यानी ग्रैंड विटारा हाई रेडर दोनों मिलकर बड़े अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, हाई रेडर को जोड़ देते हैं तो यह फिगर्स पहुंच जाती है लगभग 17,000 की, जो कि बहुत अच्छी फिगर्स है, हालांकि ग्रैंड विटारा ही साइन कर रही है। 13th पोजीशन
आल्टो 11,723 यूनिट। सस्ती कारें अब नहीं चाहिए, अब अच्छी कारें चाहिए सबको। 11th पोजिशन स्विफ्ट 13,165 यूनिट। नई स्विफ्ट आ रही है, सबको पता है, इसी का नतीजा है कि पुरानी की सेल घट रही है, सप्लाईज घट रही हैं। 10th पोजिशन पर आ गई है फ्रॉक्स 14,168 यूनिट। कौन खरीद रहा है इतनी कारें? कारगुरु को ये कार उतनी पसंद नहीं आई थी, ये बात सच है, मगर सेल्स फिगर तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। 9th पोजीशन पे टाटा नेक्सॉन 14,395 यूनिट, गुड जॉब। 8th पोजीशन स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की जोड़ के फिगर है 15,051 यूनिट। टॉप 10 में आ गई है स्कॉर्पियो, भले जुड़कर आई है, गुड जॉब। 7th पोजीशन क्रेटा 15,276 यूनिट, सेकेंड मंथ था, अच्छी सेल्स फिगर है, हालांकि हनीमून पीरियड चल रहा है। 6th पोजीशन पे है आर्टिगा 15,519 यूनिट, नो कंपटीशन। यहां से शुरू हो जाते हैं टॉप 5। 5th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी ब्रेजा 15,765 यूनिट, और 4th पोजीशन पे है डिजायर 15,837 यूनिट, और जबकि 3rd पोजीशन पे है बलेनो 17,517, और 2nd पोजीशन पे पहली बार पहुंची है पंच 18,438 यूनिट, ग्रेट जॉब। मालूम है आपको इलेक्ट्रिक का योगदान कितना जबरदस्त है, ये रीजन हा। और इसके अलावा सीएनजी तो है ही जोदा, यही रीजन है कि पंच के पास इतनी वैरायटी थी कि कंज्यूमर टूट पड़ा उसके ऊपर, उसे कोई दूसरे ऑप्शन की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हालांकि एक्स्ट्रा और फॉन्ग्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ये सेगमेंट फल फूल रहा है। अब बढ़ते हैं नंबर 1 पोजीशन पर, वैगना 19,412 यूनिट, और ठीक है, क्या कह सकते हैं वैगना रहे। ओवरऑल समझा जाए तो इंडिया में एसयूवी की चाहत इतनी तेजी से बढ़ी है कि उसने कॉम्पैक्ट से भी कॉम्पैक्ट, माइक्रो कॉम्पैक्ट वाला सेगमेंट भी बढ़ गया है। ध्यान समझे, एक्स्टर वो भी टॉप 25 में मौजूद है और उसका नंबर है 19th। सॉन्ग्स वो भी टॉप 10 में मौजूद है। पंच वह भी मौजूद है सेकंड पोजीशन पर, यानी ये सेगमेंट में तीन कारें हैं और तीनों जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। हालांकि कहने को तो सिट्रोन सी थ्री भी है, मगर कंपनी खुद उसे हैचबैक कहती है, तो क्या कर सकते हैं। यानी ओवरऑल ये सेगमेंट अच्छा जा रहा और आगे और भी अच्छा जाएगा, क्योंकि इस सेगमेंट में एक और एंट्री आने वाली है मारुति की तरफ से, बहुत जल्दी आएगी 24 में या 25 में, लेकिन आएगी। किसको रिप्लेस करेगी ये बातें कभी और करेंगे। क्रेटा एन लाइन बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा MG भी एक शानदार प्रोडक्ट डिस्प्ले करने वाला है, बहुत शानदार, और साथ ही फॉक्सवैगन भी अपनी कुछ नई पॉलिसी के बारे में बात करने जा। ओवरऑल ये मंथ घमासान होने वाला है, तो हमें उम्मीद है कि मार्च का मंथ जब फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होगी तो कैसा परफॉर्म करता है समझते हैं। और इस मंथ में हमने हमेशा नोटिस किया है इनोवा की सेल अचानक बढ़ती है, तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? देखते हैं क्या होता है मार्च 24 के सेल्स रिपोर्ट्स में। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए। सेल्स फिगर वही हैं जो आपने खरीदी है, मैं तो सिर्फ मुँह से बता रहा, तो मेरा योगदान नहीं है। तो अगर आपकी फेवरेट कंपनी सेल नहीं कर पाई, आई कैन डू, मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपकी फेवरेट कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो ही मेरे हाथ में नहीं था, वो भी आपके परचेज की वजह से हुआ। तो फिर लाइक या डिसलाइक करते समय इस बात पर गौर रखिएगा। फेसबुक पर देखा तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पर देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, देखते रहिए आस्क कार गुरु।